الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد काबिले एहतराम बुजुर्गों अजीज दोस्तों और साथियों, हदीस शरीफ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौकों पर यह बात इरशाद फरमाई कि ईमान वाले का ईमान उस वक्त कामिल होता है जबकि उसके अखलाक आला दर्जे के हों। फरमाया अकमल المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, ईमान वालों में सबसे कामिल ईमान वाला वो है जो उनमें सबसे अच्छे अखलाक वाला है। एक हदीस में फरमाया कि इन المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجة الصائم القائم, कि एक ईमान वाला अपने हुस्न अखलाक से साइम और कायम के दर्जे को पा लेता है। सायम के माने रोज़ेदार, कायम के माने क़याम करने वाला, यानी रात में खड़ा होकर इबादत करने वाला। तो एक मोमिन अपने हुस्न अखलाक के ज़रिए से उस शख्स का दर्जा पा लेता है जो दिन में रोज़ा रखता है, रात में क़याम करता है। अखलाक आम तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि ज़ाहिर में किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आने का नाम अखलाक है। ये भी अखलाक का एक हिस्सा है, लेकिन असल अखलाक ये है कि इंसान के अंदरून और दिल की कैफियत सही हो जाए। हुस्न अखलाक ये है, इंसान का दिल पाक और साफ हो जाए। और जैसे इंसान अपने जाहिर को गंदगी से पाक करता है, बदन को गंदगी से पाक करता है, कपड़ों को गंदगी से पाक करता है, फिर ऐसे ही इंसान ज़ाहरी एतबार से तज़यीन की शक्लें अख्तियार करता है, जीनत और खूबसूरती अख्तियार करता है। कपड़ा अच्छा है, बदन की हैत अच्छी है, बाल दुरुस्त कर लिए आदमी ने, ऐसे ही दिल के अंदर से गंदगियों को दूर करना, उसको पाक और साफ करना, फिर उसके अंदर अच्छी सिफात पैदा करना और अच्छी सिफात से उसको मुज़य्यन करना, ये काम जब आदमी करता है तब उसके अखलाक सही होते हैं। आमाल इंसान के ज़ाहरी अफ़ाल का नाम है और अखलाक इंसान के जो बातिन है, बातिन से जो कुछ सरजद होता है उसका नाम अखलाक। और ईमान वाला कामिल ईमान वाला उसी वक्त होता है जबकि उसका ज़ाहिर भी साफ सुथरा हो, पाकीज़ा हो, मुज़य्यन हो, ऐसे ही बातिन भी साफ सुथरा हो, पाकीज़ा हो, मुज़य्यन हो, तब वो कामिल ईमान वाला होता है। तब उसका तक़वा आला दर्जे का होता है, तब उसकी दीनदारी आला दर्जे की होती है। बहुत से आमाल ऐसे हैं कि इंसान उनको करता है लेकिन अपने बुरे अखलाक की वजह से उन आमाल का सवाब और उनका नफा ख़त्म हो जाता है। जैसे कुरान पाक ने सदक़े के मुतालिक फरमाया कि सदक़ा इंसान करता है लेकिन सदक़ा करने के साथ एहसान जताता है, तकलीफ़ पहुंचाता है, तो अपने अमल को साए और बर्बाद कर लेता है। रमज़ान का जो मुबारक महीना है उसका ख़ास मकसद तकवा पैदा करना है, गुनाहों से बचना,
ظاہری گناہوں سے بھی بچنا ہے اور باطنی گناہوں سے بھی بچنا ہے. رمضان کا آنے والا مبارک مہینہ ہمارے لیے اعمال کی درستگی کا بھی مہینہ ہے اور اخلاق کی تربیت حاصل کرنے کا بھی مہینہ ہے. اسی وجہ سے روزے دار کو خاص طور پر تاکید کی گئی کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے. اس وقت جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اخلاق درست ہوں, ہمارا باطن درست ہو, ہمارا دل پاک و صاف ہو, اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اہتمام اپنی زبان کی حفاظت کا کرنے کا ہے, اور اس میں انسان کو مجاہدہ ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کو خاص طور پر تاکید فرمائی ہے زبان کی حفاظت کی. حدیثیں تو ہم رمضان میں بھی سنتے رہتے ہیں, رمضان سے پہلے بھی سنتے ہیں, مختلف موقعوں پر سنتے ہیں, اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں ظاہری اعمال کے کرنے کا بھی اہتمام بڑھتا ہے, اور کچھ بندے باتوفیق ایسے ہیں جو گناہوں سے بھی بچنے کا بڑی حد تک اہتمام کرتے ہیں, اگرچہ کہ بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو گناہوں سے, ظاہری گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام نہیں کرتی. لیکن جو لوگ ظاہری عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں, اعمال کا اہتمام کرتے ہیں, ان سے بھی پھر کوتاہی ہو جاتی ہے اپنے اخلاق کی حفاظت کے سلسلے میں, زبان کی حفاظت کے سلسلے میں, دل کی حفاظت کے سلسلے میں, اور پھر اس کی وجہ سے روزہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے, اور جو اخلاقی تربیت ہم کو حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتی. روزہ, عربی میں جو لفظ روزے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے صوم. صوم کے معنی رکنا, کھانے پینے سے رکنا. لیکن یہ کھانے پینے سے اور ضروری خواہشات سے رکنا, یہ دوسری چیزوں سے روکنے کی تربیت کے لیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے کھانا پینا چھوڑ دے لیکن اپنی زبان کا غلط استعمال نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے اپنا. فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹی باتیں, جھوٹے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو معلوم ہوا کہ روزے میں بری باتوں سے, قول زور سے بچنا ضروری. رمضان کے مبارک مہینے کی ہمیں ابھی سے تیاری کرنا ہے. تیاری کی مختلف شکلیں ہیں. ایک بات پہلے بھی عرض کی جا چکی کہ بھائی عید کے دن نئے کپڑے ضروری نہیں ہیں, زیادہ سے زیادہ جائز ہیں, اس کا کام پہلے ہی کر لو تاکہ رمضان ہمارا فارغ ہو جائے, بازاروں میں نہ لگے ہمارا رمضان. ایسے ہی یہ بھی تیاری ہے کہ ہم ابھی سے اس بات کی فکر کریں کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے, اور ابھی سے اس کی عادت ڈالنے کا اہتمام کریں تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو ہم رمضان کے لیے اس اعتبار سے بھی تیار رہیں کہ ہم رمضان میں صرف کھانے پینے سے بچنے والے نہیں بلکہ اپنی زبان کو نافرمانی سے بچانے والے بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے جب تک آدمی اس کو پھاڑ نہ دے. پوچھا گیا کہ یہ ڈھال کس چیز سے پھٹتی ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ سے, غیبت سے. روزے دار نہ بھی ہو تب بھی مسلمان کے لیے فرمایا کہ مسلمان گالی دینے والا نہیں ہوتا, لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا. لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البدی, کہ مومن لعنت و پھٹکار کرنے والا نہیں ہوتا, طعنے دینے والا نہیں ہوتا, مومن بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا, مومن گری ہوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. یہ مومن کی شان ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں یہی ایمانی تربیت حاصل کرنا ہے, ہماری زبان کی حفاظت ہو پورے رمضان میں اس کا اہتمام, اور یہ اہتمام اس لیے تاکہ پوری زندگی اس کا اہتمام. اللہ نے یہ مہینہ ہماری تربیت کے لیے مقرر ہے. تربیت ہمارے اخلاق کی ہو, ہمارے اعمال کی ہو, ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بنیں. لہذا ابھی سے اس کا اہتمام کہ ہم اپنی زبان کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں. ہم یوں سمجھے کہ اب یہ ہماری رمضان کی تیاری ہے.
रमजान की तैयारी यह है कि अभी से अपनी जबान की निगरानी करो और यह तय करो कि अब रमजान आएगा तो इस रमजान में इंशाल्लाह इस अल्लाह के दिए हुए बेहतरीन माहौल से पूरा फायदा उठाकर अपनी जबान को काबू में करूंगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पारे 18 के शुरू में ईमान वालों की सिफात जिक्र फरमाई, फरमाया यकीनन फलाह पा गए, कामयाब हो गए वो जो ईमान वाले हैं, الذين هم في صلاتهم خاشعون जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। फिर उसके बाद आगे जकात का जिक्र है, والذين هم للزكاه فاعلون, लेकिन इन दोनों के बीच में अल्लाह ताला एक और बात जिक्र फरमा रहे हैं, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون। بنماز ज़कात दोनों तो जुड़े हुए हैं, हर जगह जुड़े हुए रहते हैं, तो नमाज का एहतमाम करते हैं, नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, ज़कात पर अमल पैरा होते हैं, लेकिन नमाज और ज़कात के बीच में अल्लाह ताला एक और बात जिक्र कर रहे हैं जो बज़ाहिर इन दोनों आमाल से जुड़ी हुई नहीं मालूम होती। नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, लग्व बातों से मुंह मोड़ते हैं, ज़कात पर अमल पैरा होते हैं। तो लग्व बातों से मुंह मोड़ना, लग्व में न जाना, लग्व में बेकार चीज में मशगूल ना होना, इसको नमाज और जकात के बीच में जिक्र फरमाया, नमाज के फौरी बाद जिक्र फरमाया। तो उलमा ने फरमाया कि ये इस वजह से जिक्र फरमाया है कि नमाज और नमाज खालिस इबादत है, ऐसी इबादत है जिसमें बंदा मखलूक से कट करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। तो नमाज और इस जैसी जो इबादतें हैं जिनमें बंदा बहुत एहतमाम करता है अल्लाह से अपने ताल्लुक को सही करने का और अल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़ने का, उसके लिए मेहनत करता है, मशक्कत उठाता है, लेकिन वो जो मेहनत और मशक्कत उसकी होती है वो बसा औकात जाय हो जाती है लग्व से, वो असल में जाय होती है गुनाह से, मगर अल्लाह ताला सरहद से दूर रखना चाहते हैं। जैसे फरमाया निगाह की हिफाजत करो, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि बदकारी से बुराई से हिफाजत हो जाए, तो बदकारी और बुराई तक ले जाने वाली चीजों से अल्लाह ने मना फरमा दिया कि देखो इसके पास भी मत जाओ ताकि इसके आगे न चले जाओ। ऐसे ही गुनाह है जो जाये कर देता है, मगर फरमाया उससे गुनाह की सरहद लग्व से मिली हुई है, बेकार चीज, बेकार बात। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिन हुस्न इस्लाम المرئ تركه ما لا يعنيه, आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि वो हर ऐसी चीज छोड़ दे जो उसके लिए गैर जरूरी, गैर मुताल्लिक। चुनांचे अल्लाह के बंदे जैसे लग्व बात से अपने को बचाते हैं, लग्व नजर से भी अपनी हिफाजत करते हैं, नजर भी मत डालो बगैर जरूरत। इसलिए बहुत से अल्लाह के नेक बंदे ऐसे गुजरे हैं कि उन्होंने बरसहा बरस गुजार दिए मगर उन्होंने किसी के चेहरे पर भी नजर नहीं डाली अपनी नजर की हिफाजत के लिए। तो लग्व लायानी नजर से भी हिफाजत की, लायानी बात से भी हिफाजत की। ज्यादा बोलना इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देता है, लग्व चीज फिर गुनाह में मुब्तला कर देती है, लायानी चीज गुनाह में मुब्तला कर देती है। इसी वजह से अक्सर गैर जरूरी बातें इंसान को गीबत में, चुगली में, बोहतान में, तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला कर देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, इय्याकुम वल जुलूस फित तुरुकात, रास्तों पर नुक्कड़ों पर बैठकें लगाकर मत बैठो, और अगर तुम्हें किसी जरूरत से कि तुम्हारा कारोबार है उसकी जरूरत है, कोई और काम है, वाकई जरूरत से तुम्हें बैठना पड़ता है और जरूरत है तुम्हें, तो फिर उसका हक अदा करो। और फरमाया कि उसका हक यह है कि निगाह को नीचे रखो, सलाम का जवाब दो, अम्र बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो, तकलीफ देने वाली चीज को हटाओ। आपने इससे क्यों मना फरमाया? इसलिए कि उमूमन इस तरह की नशिस्तें इंसान के लिए लग्व में, लायानी में, फिर मासियत में इब्तिला का जरिया बनती है, इस वजह से रोका, इसे मत करो।
मगर अब हम लोगों की 11 महीने की आदत ऐसी है कि रमजान में भी नहीं छोड़ते, बल्कि बाज़ औक़ात रमजान में ज्यादा बाज़ लोगों की जिंदगी में। और फिर अब रमजान में उन्वान बदल जाता है तो रमजान में इफ्तार के उन्वान से बैठ गए। एक बुजुर्ग को किसी ने दावत दी इफ्तार की और इफ्तार होने से पहले उस शख्स ने गीबत कर दी तो वो उठकर चले गए। उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने अपनी हलाल रोजी से इफ्तार कराने से पहले तो हराम से इफ्तार करा दिया मुझे। तो गीबत का करना भी गुनाह है, सुनना भी गुनाह है, तो इसलिए उठकर चले गए। हम लोगों महसूस नहीं करते क्योंकि तवज्जो नहीं है हमारी। तो आज की बात का खुलासा यही है कि जिन बंदों को अल्लाह ने आमाल की तौफीक दी है और जिन बंदों को अल्लाह ने जाहिरी गुनाहों से बचने की तौफीक दी है, उनसे भी यह कमी कोताही हो जाती है कि वो इन चीजों से अपनी हिफाजत नहीं कर पाते। वो रमजान में फराइज नहीं छोड़ते, सुनन नहीं छोड़ते, नवाफिल नहीं छोड़ते, तिलावत नहीं छोड़ते, तरावी नहीं छोड़ते, वो रमजान में गुनाह नहीं करते, बल्कि बाज बे एहतियाती की चीजें होती हैं तो उन बे एहतियाती की चीजों को भी छोड़ देते हैं, खबरें भी नहीं देखते और चीजों से भी एहतियात करते हैं, लेकिन क्या जबान की भी हिफाजत करते हैं? क्या गीबत से अपने को बचाते हैं, गैर जरूरी बातों से बचाते हैं? इसकी फिक्र करना है ताकि हमारा वो मुबारक महीना वाकई कीमती बन जाए, और वो उसी वक्त कीमती बनेगा जब हम इसकी पूरी पूरी हिफाजत करेंगे, इसका पूरा एहतमाम करेंगे, अपनी जबान की हिफाजत गीबत से, चुगली से, हर लायानी से। और ये महीना तो ऐसा है रमजान का, इसकी खास इबादत एतकाफ है जो आखिरी अशरे में तो खास दर्जा रखती है और पूरे रमजान में भी उसकी अहमियत है। और एतकाफ की रूह यही है कि इंसान बंदों से कटकर अल्लाह से जुड़ जाए। तो यह महीना तो ऐसा है जैसे हजरत ख्वाजा साहब ने फरमाया कि मुझे दोस्त छोड़ दें सब कोई मेहरबान न पूछे, मुझे मेरा रब है काफी, मुझे कुल जहां न पूछे। सबसे कटने का महीना है, जुड़ने का नहीं, ज्यादा मेलजोल का नहीं है, ज्यादा इख्तलाफ का नहीं है। और बाज़ औक़ात जैसे वाज बयान हमको भी जाना पड़ता है, तकाजे आते हैं, लेकिन अंदर से दिल ये कहता है कि ये महीना तो ज्यादा इन चीजों का भी नहीं है, ये महीना तो ऐसा है कि ये चीजें भी थोड़ी बहुत हो जाएं, बाकी इनफिरादी आमाल बहुत। ये महीना ऐसा है, लेकिन हम लोग मजमों में बाज तो गुनाहों के मजमे हैं, बाज जायज मजमे हैं, फिर वो उसमें लायानी और लग्व है, उसके अंदर बहुत मशगूल है। तो बहरहाल उसकी तैयारी इस एतबार से भी हो कि उस आने वाले महीने में हम अपने आमाल की भी हिफाजत करेंगे और अपने अखलाक को भी दुरुस्त करेंगे। और अपने अखलाक को दुरुस्त करने के लिए एक बुनियादी तदबीर यह है कि हम अपनी जबान का रोजा रखेंगे लायानी से, लग्व से, और जबान की पूरी हिफाजत करेंगे। इसकी फिक्र, इसका एहतमाम पहले ही से हो ताकि आने वाला महीने में जब हम दाखिल हों तो हमको कुछ ना कुछ आदत इसकी हो गई हो, और फिर वहां और मजीद अल्लाह की रहमत से अमल की तौफीक हमें हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको हमारी उम्रों में बरकत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें रमजान नसीब फरमाए, मकबूल रमजान अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला अपने करम से इस्लाम की जिंदगी और अपने अपने वक्त पर हुस्न खातिमा नसीब फरमाए, सुन्नत अदा फरमाए।